मथुरा में 1,220 करोड़ से बनेगी हेरिटेज सिटी। बांके बिहारी मंदिर के लिए होगा नया रास्ता। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण मथुरा जिले में 753 एकड़ में 1,220 करोड़ रुपए से बनेगी लागत से हेरिटेज सिटी बनाएगा। इसकी संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्राधिकरण बोर्ड ने सोमवार को अपनी स्वीकृति दे दी। पीपीपी मॉडल पर विकसित होने वाली परियोजना के विकासकर्ता चयन के लिए प्रस्ताव निविदा मूल्यांकन समितियों को भेजा गया है। प्रमुख सचिव उद्योग एवं ईडा चेयरमैन अनिल सागर के नेतृत्व में हुई बैठकों में बोर्ड ने प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यमुना प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को जोड़ने के लिए करीब 7 किमी लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे व उसके दोनों ओर शहरी क्षेत्र विकसित करने की CBRI से योजना तैयार कराई है। 1,220 करोड़ की आएगी लागत। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर थीम आधारित हेरिटेज सेंटर, योग वेलनेस सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, होटल, स्थानीय कला एवं कलाकारों के लिए हट आदि होंगे। हेरिटेज सिटी 753 एकड़ में 1,220 करोड़ की लागत से विकसित होगी। प्राधिकरण CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि हेरिटेज सिटी परियोजना का क्षेत्रफल बढ़ने से फेज 2 का मास्टर प्लान संशोधित किया जा रहा है। हेरिटेज सिटी राया अर्बन सेंटर का हिस्सा होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे की यमुना नदी से जोड़ेगा। यमुना नदी पर ब्रिज विकास तीर्थ परिषद पुल का निर्माण करा रहा है। एक्सप्रेसवे इससे जुड़ जाएगा। अन्य प्रस्तावित मार्गों से भी इसे जोड़ा जाएगा। इससे बांके बिहारी मंदिर के लिए नया मार्ग तैयार हो जाएगा। बोर्ड से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद इसे निविदा मूल्यांकन समिति को भेजा जा रहा है। कैबिनेट से परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद विकासकर्ता चयन के लिए निविदा जारी की जाएगी।